बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत, प्रणाम आपके अपने YouTube चैनल पे, जहाँ पे आप सभी जानते हैं अपने सपनों का अर्थ। सपने कभी एक जैसे नहीं होते हैं, सपने बता कर तो नहीं आते, लेकिन भविष्य के शुभ अशुभ को ज़रूर बतलाते हैं, उन्हीं का संकेत आप सभी तक हम पहुँचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वप्न पंपकिन देखना, स्वप्न शास्त्र के अनुसार इसका आखिर क्या है संकेत? स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में कद्दू का आना ये अच्छे जीवन, तरक्की, लाभ, उन्नति, प्रगति का सूचक माना जाता है। कद्दू के ढेर एक साथ अगर बहुत सारे कद्दू दिखते हैं तो ये घर में सुख समृद्धि मिलने का भी संकेत देता है। इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं सपने में कद्दू को खाते हुए, तो गिफ्ट आपको, उपहार आपको जल्दी मिल सकता है। बेल में लगा कद्दू, बेल चढ़ रहा है, कद्दू उसमें लगे हुए हैं, या खेतों में कद्दू देखना, ये आपके जीवन में किसी जल्दी मेहमान से मिलने का, आपके घर मेहमान आगमन होने का सूचक है। और मेहमान आए तो उसे खाली हाथ कभी ना जाने दें और उसकी सेवा ज़रूर करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया अतिथि देवो भव। यदि हम उसको एक गिलास जल नहीं पूछते हैं तो वो अपने पाप को हमें दे जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। कटा छिला कद्दू देखना, पैसा इस समय थोड़ा ज़्यादा खर्च हो रहा है, इसलिए थोड़ी बचत करें। स्वप्न में अगर अविवाहित लोगों को कद्दू दिखता है तो उनके विवाह के योग बनेंगे, और जिनका विवाह हो चुका है उनको संतान के योग बनेंगे, और जो आगे भविष्य में गर्भवती होने अच्छी संतान होगी, इस तरफ भी संकेत प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हर सपना कुछ कहता है, और हम सपनों के माध्यम से अपने अच्छे बुरे जीवन का पता लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकॉन बन पस करिए। नमस्कार, धन्यवाद।